दहशतगर्दी की सीरीज में यह हमारा तीसरा प्रोग्राम है पहले दो प्रोग्रामों में हम आपको बहुत वाज तौर पर बता चुके हैं कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है जो खजाने अल्लाह ने इस पाकिस्तान को दिए हैं हकीकी मानों में दुनिया का कोई और मुल्क कोई और खिता इतने खजाने अपनी इस छोटी सी जगह में नहीं रखता जितना यह पाक सरजमीन रखती है यानी सिर्फ रेफरेंस के हवाले से थोड़ा सा आपको बताएं कि जो थर का कोयला है वो जो एनर्जी पैदा कर सकता है वो जो इससे हम फ्यूल बना सकते हैं बिजली बना सकते हैं वो पाकिस्तान की मुकम्मल ज़रूरियात के लिए 200 साल तक काफी है अल्लाह अकबर वल्लाम और जो इसकी एनर्जी वैल्यू है वो सऊदी अरब और ईरान के जितने भी तेल और गैस के झायर हैं उनसे ज्यादा है यकीन बात लगती। कि 1991 में ये हुआ था और, 30 साल तक नापाक और जलील हु ने ये जो पॉलिटिशियंस और ये सियासतबाज और ये माशी दहशत गर्द जो पाकिस्तान पर हुकूमत करते रहे उन्होंने इस कौम को निकालने की ही इजाजत नहीं दी क्योंकि इन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वो जो आई पी पी के किए हुए थे जिसके लिए ये महंगे दामों तेल बाहर से मंगवाते थे और कैपेसिटी पेमेंट्स और इस कस्म के हराम कॉन्ट्रैक्ट करके जो इन्होंने अपना मुनाफा कमाना था माशी दहशत गर्दी रियासत के खिलाफ करनी थी अगर थर का कोयला इस्तेमाल हो जाता तो ये फिर हराम का मुनाफा कैसे खाते इसीलिए इसी जलील तबके ने कभी पाकिस्तान में कालाबाग डैम नहीं बनने दिया ये कालाबाग डैम अगर बन जाता मंगला और तरबेला की तरह तो आपको हाइड्रल पावर जो है उससे बिजली बनाए जाने चार रुपए पांच रुपये यूनिट तीन रुपये यूनिट आपको वह बिजली बनती तो फिर ये सत्तर रुपए यूनिट आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट से आपको कैसे बिजली फरोख करते हम आपको ये भी तसल्ली से बता चुके हैं तफसील से बता चुके हैं कि किस तरह आलमी दहशत गर्द इधारे आई एम एफ जैसे पूरे पूरे मुल्कों को हड़प करते हैं कर्ज देकर जो डेथ ट्रैप है वो असल में डेथ ट्रैप होता है एक दफा कर्जे में फंसा दो तो यह मौत की गिरफ्त होती है दुनिया का कोई मुल्क आई एम एफ के पास जाकर खुशहाल नहीं हुआ डिसंटीग्रेट जरूर हुआ है तबाह बर्बाद जरूर हुआ है आई एम एफ आप ये समझ लें कि ये इधारा है यह कोई इंसानों की या पाकिस्तान की फलाह के लिए नहीं बना है ये इकोनॉमिक हिटमैन होते हैं ये माशी दहशत गर्द होते हैं इनका मकसद ये होता है कि रियासत पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क के साथ ये जो माहे करते हैं उसको अपनी ऐसी गिरफ्त में ले लें कि उसके बाद वो रियासत बिखर जाती है अपने खजाने फरोख्त कर देती है इनको और उसकी पूरी आवाम भूखी नंगी मर जाती है तबाह बर्बाद हो जाती है उसमें खाना जंगी शुरू हो जाती है और फिर आखिर में बाहर से फौजें दाखिल होकर उस मुल्क पर कब्जा कर लेती हैं ये सब कुछ हम आपको पिछली दो किस्तों में बता चुके हैं तफसील के साथ सबूतों के साथ इस मरतबा हम बात करेंगे इन मसाइल का हल क्या है पश्चिब कर अब हम क्या करें बाबा इकबाल ने भी वो अपनी किताब लिखी थी जब पूरी उम्मत मुस्लिमों के मसाइल उन्होंने बयान कर दिए तो फिर वो किताब लिखी कर अब उम्मत क्या करें जब इतना बड़ा कैंसर फैल जाता है इंसान के जिसम में जैसे ये जो करप्शन का कैंसर हमारे वजूद में फैला है जो माशी दहशत गर्दी का कैंसर पाकिस्तान के वजूद में फैल गया तो आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैंसर को निकालने के लिए पहले बड़ी खतरनाक सख्त सर्जरी होती है आप ट्यूमर निकालते हैं पकड़ के और सर्जरी से निकाले जाते हैं और उसके बाद फिर उस जहर को साफ करने के लिए कीमोथेरेपी की जाती है पूरा जिसम तकलीफ उठाता है जिसम का एक एक जोड़ हिल जाता है सर के बाल गिर जाते हैं जिसम कमजोर हो जाता है लेकिन अगर जिंदगी बचानी है तो आपको वो कीमोथेरेपी करनी पड़ती है इसी तरह ये पाक सरजमीन की एक एक जड़ में जिस तरह ये कैंसर बैठ गया है माशी दहशत गर्दी का इसको निकालने के लिए अब कोई सॉफ्ट सोलूशन नहीं है अब आपको भी एक दहशतगर्द होना पड़ेगा इस दहशतगर्दी से निमटने के लिए हम जो भी सोलूशन यहां बताएंगे ये यह शेरों और दलेरों के लिए बुजदलों बगैरतों के लिए तो है नहीं क्योंकि यही वो जलील कस्म की अशराफिया है कि जिसने इस पाकिस्तानी रियासत को ग़ुलाम बना दिया है पाकिस्तान को तोड़कर बिखेर कर अलग अलग करना चाहते हैं युगोसलाविया की तरह तो इनसे तो तवक़ो नहीं की जा सकती कि ये पाकिस्तान को रिफॉर्म करेंगे या पाकिस्तान की तरक्की में अपना कोई हिस्सा डालेंगे ये तो गिद्ध हैं जो लाश नोचने के लिए आते हैं सिर्फ लिहाजा सबसे पहला स्टेप अगर पाकिस्तान को हमने ठीक करना है तो पहला स्टेप इसका यही है कि मुल्क में एक इकोनॉमिक इमरजेंसी एक माशी इमरजेंसी लगानी पड़ेगी पाकिस्तान में एक सख्त डंडे वाली सरकार को लाना पड़ेगा अगर पाक फौज ये काम नहीं करना चाहती तो फिर इसके अलावा और कोई हल है नहीं फिर आप इंतजार करें योगिया की तरह सोवियत यूनियन की तरह ये हालात इस नतीजे पर पहुंच जाए कि अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे रियासत बिखरने लगे फिर शायद आप उठें इस मुल्क को बचाने के लिए लेकिन अगर आप इस पाक सरजमीन को इस वक्त हम ऐसी स्टेज पर जैसे कहा कि हम पहुंच चुके हैं कि हम तो घर के खजाने बेचने पर आ गए सूद की अदायगी के लिए लेकिन फिर भी वो सूद कभी अदा नहीं होगा क्योंकि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं वही सबसे बड़ा कैंसर है तो पहले आपको पाकिस्तान में माशी इमरजेंसी नाफिज करनी एक मजबूत डंडे वाली सरकार लेकर आनी जब पाकिस्तान में आप एक पेट्रियोटिक टीम लेकर आते हैं तो उसका पहला काम यह होता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ वो काम शुरू करती है कि हमने पाकिस्तान की तामीर कैसे करनी है अयूब खान से सीखे अयूब खान आते ही पहला काम उसने ये किया कि बेहतरीन दिमाग इकट्ठे किए और फाइव ईयर प्लान बनाया पाकिस्तान का पहला और उस फाइव ईयर प्लान के तहत जो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक थे उसके अंदर वो लोग जो मुल्कों की तामीर करने वाले जहन रखते थे उन्होंने सोचा कि आने वाली नस्लों को हमारी किस चीज़ की जरूरत होगी उन्होंने डैम बनाने शुरू किए उन्होंने नहरी निज़ाम बनाना शुरू किया उन्होंने फूड सिक्योरिटी और जरात का इंतजाम किया उन्होंने कराक्रम हाईवे बनानी शुरू की उन्होंने इस्लामाबाद का शहर आबाद किया उन्होंने पाकिस्तान का पूरा तालीमी निज़ाम ओवरऑल कर दिया ये होती है डिवेलपमेंटल इकनॉमिक्स लैपटॉप तकसीम कर देना लंगर खाने खोल देना लोगों में इलेक्ट्रिक बाइक तकसीम कर देना ये डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स नहीं होती ये अब सत्तार अब्दुलदी का काम होता रियासत का काम ये नहीं है कि रियासत हुकुमरान आने के बाद लैपटॉप तकसीम करते फिरें ऐब खान से सीखें जैसे हमने कहा वो भी पाकिस्तानी था ना उसको उसकी सारी टीम भी पाकिस्तानी थी तो पाकिस्तान में पहले जो आप इस नापाक और गलीस जमहूरियत को यह जुल्मद का देव जिसको तुम आजादी की नीलम परी समझते हो उस जमहूरियत को हमें दफन करना पड़ेगा वरना यह जमहूरियत पाकिस्तान को नामजुबिल्ला दफन कर देगी इसमें आप कोई दो राय नहीं तो माशी एमरजेंसी की जरूरत उसके बाद एक सख्त डंडे वाली सरकार मजबूत टीम और समझदार टीम जो आते ही पहला काम यह करे कि पांच साल का प्रोग्राम बनाए पाकिस्तान के लिए कि हमने किस सिमत में इस पाकिस्तान की तामीर करनी है और एक दफा आपके पास वो टीम आ जाए लेकिन जब तक वो डेवलपमेंटल प्लान बन रहा है हमें बहुत सारे स्टेप्स है नीचे जो इमीजिएटली फौरी तौर पर किए जा सकते हैं और वो फौरी तौर पर स्टेप्स इस आने वाली मजबूत को जो करना है सबसे पहला काम ये है कि आपने अकाउंटेबिलिटी शुरू करनी है उन माशी दहशत गर्दों की जिन्होंने पिछले 40-50 साल में पाकिस्तान का खून छोड़ लिया आज जो पूरे पाकिस्तान में तबाही हुई है जो पाकिस्तान पे सैकड़ों अरब डॉलर का कर्जा चढ़ा दिया गया है उन सारे माशी दहशत गर्दों से आपने वो रकम निकलवानी है और वो रकम नैब के जरिए नहीं निकलेगी वो रकम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जरिए नहीं निकलेगी वो रकम निकलेगी जब आप शरीयत नाफिज करेंगे जब आप अल्लाह और उसके रसूल सल वसल्लम का हुक्म नाफिज करेंगे कि चोर के हाथ काट दो ला कुरान में फरमाता है ना कि किसास में तुम्हारी जिंदगी है अगर कोई कौम कहसास से फरार होना शुरू करे कि हम कहसास नहीं लेंगे हम आंख के बदले आंख और खून के बदले खून नहीं करेंगे तो फिर वो सोसाइटी वो माशरा वो कौम अलग हो जाएगी फिर शिकायत ना करो अल्लाह से कि हम पे जुड़ भूख और खौफ का अजाब और दहशतगर्दी ये सब क्यों मुसलत हो गई हमारे ऊपर इसलिए कि तुम अल्लाह के हर हुक्म से भागते हो तुम सूद और रिबा का कारोबार करते हो अल्लाह उसके रसूल से जंग करते हो और तो करते हो कि तुम्हारी मीशत ठीक हो जाएगी तुम किसास से फरार इख्तियार करते हो जमीन में फसाद करने वालों के हाथ नहीं काटते मुखालिफ मुखाल से और सोली नहीं चढ़ाते फिर मातम करते हो कि हम पर दहशत गर्दी मुसलत हो गई पागल तो तुम खुद हो अल्लाह ने तो साफ साफ बताया हुआ है कि किस तरीके से माचरे को ठीक करना है किसास में तुम्हारी जिंदगी है कुरान कहता है सहीदी रसुल्ला फरमाते कुरान पाक कहता है चोर के हाथ काट दो तो इन ये जो माशी दहशत गर्द है ये कोई मुजाहिदीन तो नहीं है कि तुम उनके टुकड़े उड़ा दो तब भी ये इस से खड़े रहेंगे चोर के बच्चे हैं बेगैरत सारे एक का हाथ काटो ये बाकी सारे पूरी दुनिया से अपनी दौलत ला ला के पाकिस्तान में जमा करना शुरू करेंगे आपको नैब बंद कर दें आप नैब की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ एक फ्रॉड इदारा है जो ना चोरों डाकुओं को पकड़ता है और पकड़ता भी है तो प्ली बार्गेन करके छोड़ के दोबारा उनको इजाजत दे देता है कि आप रियासत के हुरान बन जाए जाए आपको शरीयत नाफिज करनी है फौजी अदालतों के जरिए पीरियड खत्म बात इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जब आपने फौजी अदालतें बनाई हैं बीएलए और टीटीपी के खिलाफ उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और इवन पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ हमला करने वाली ये जो तहरीक इंतजार है फसादी कमीन है इनकी मुकदमात भी आप फौजी अदालतों में ले जा रहे हैं तो वो जिन्होंने माशी दहशत गर्दी करके पूरी पाकिस्तानी रियासत का बेड़ा गर्क कर दिया हमको यहूदियों और हिंदुओं का ग़ुलाम बनाने जा रहे हैं उनको फौजी अदालत में लाकर उनके हाथ और पांव मुखालफ समतों से क्यों नहीं काटे जा सकते अल्लाह का हुक्म भी है और वक्त के पाकिस्तान के दिफा की जरूरत भी तो करें ना इसके अलावा और कोई हल नहीं है अगर आप यह नहीं करना चाहते फिर बाकी सारी बातें जो मैं नीचे बता रहा हूं बेकार है कुछ भी नहीं होगा बिकॉज यह है कि आपके पास एक जनरल हो और एक रूथलेस टीम ऑफ एक फौज हो आप किसी भी जंग में जाना चाहते हैं तो पहले आप एक कमांडर सेलेक्ट करते हैं उसकी फौज सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप जंग में जाते हैं आपको ये जो हुकूमत है इसको हटाकर एक यहां पे पेट्रियोटिक डंडे वाली सरकार लानी होगी मजबूत तगड़े मुसलमानों को लेकर आए जो खुद अहदे की ख्वाहिश ना करते हो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड साफ हो क्या पच्चीस करोड़ में कोई साफ सुथरा मुसलमान एफिशिएंट दलेर और अल्लाह से डरने वाला और पाकिस्तान के मामला को समझने वाला आपको नहीं मिलेगा क्या आपको इन सियासी जमातों में नहीं मिलेगा पूरे पाकिस्तान में तो हजारों लाखों मुसलमान हैं जिन्होंने सारी जिंदगियां लगा दी इस पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए इसकी खिदमत करते हुए जो ईमानदार भी हैं और काबिल भी हैं सिर्फ ईमानदार होना काफ़ी नहीं है काबिल होना जरूरी है वो जो किसी ने कहा ना कि बुजुर्ग ने इंसानी तारीख पर सिर्फ दो आदमियों ने असर डाला एक वो दरवेश जिसके हाथ में कलम होता है और एक वो सलार जिसके हाथ में तलवार होती है इकबाल बाबा ने जिसे कहा था जुनेदी और अर्धशेरी माशाला इस दफा पाकिस्तान का सिपा सलार जो है वो अल्लाह के फजर से कुरान का हाफिज भी है और सैदी रसूल्लाह के खानदान से भी और तो उसके हाथ में तलवार भी है इससे बेहतरीन मौका तो पाकिस्तान को कभी मिल ही नहीं सकता तो बराह राश जनरल आसिम से मुखात होकर हुआ आज इख्तियार है आपके पास अब अल्लाह ने आपको दो तीन साल की एक्सटेंशन और दे दी है अब जो कुछ होना है पाकिस्तान में वो आपके दौरे हुकूमत में हो अल्लाह आपसे सवाल करेगा इस पाक सरजमीन के बारे में कि इसकी हिफाजत इसकी आबरू की हिफाजत आपके हवाले की गई है और अब हम बड़ा साफ आपसे कह रहे हैं कि इसमें अल्लाह का हुक्म नाफि करें आप कर सकते हैं किसी के बाप की मजाल नहीं है कि आपको रोके अगर आप पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करना शुरू करें और शुरू करें इस बात से कि जमीन में फसाद करने वालों को सूली चढ़ाया जाएगा चाहे वस्कृरी दहशत गर्द हो नजरियाती दहशत गर्द हो या माशी दहशत गर्द हो को नाफिज करना पड़ेगा एक जानब सजाओं के हवाले से दूसरी जानब सूद और रिबा के निजाम को खत्म करने के अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है उसमें कहते हैं 2028 में हम सूद खत्म करेंगे क्यों 2028 में आज क्यों नहीं 2028 तक हम क्यों सूद का कारोबार करेंगे इसको तो आज खत्म किया जा सकता है कम से कम हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर इधारे जो आपस में सूद का कारोबार करते हैं इसको तो बंद किया जा सकता है ये जो आप तनख्वाओं के ऊपर और बैंक के अंदर प्रोविडेंट फंड के ऊपर और सेविंग्स अकाउंट पर जो सूद देते हैं इसको तो खत्म किया जा सकता है जो रियासत के इधारे आपस में मामला करते हैं तो सूद के खिलाफ कि जिस अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह ने जंग किया है इस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुसल्ला को भी सूद के खिलाफ एलान जंग करना है और यह बेहतरीन मौका है हमारे पास जैसे कहा किसी का बाप नहीं रोक सकता हमें अगर करना चाहें तो जो कुछ अब हम नीचे बताने जा रहे हैं उसके लिए एक मजबूत हुकूमत और एक क्लियर फाइव ईयर प्लान की जरूरत है आपको लेकिन इससे पहले क्या फाइव ईयर प्लान बनाए जो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक बनाते हैं जब आप एक सूदखोर को लाके फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे तो वो उसकी सारी इकोनॉमिक्स यही है कि लीज पर गाड़ियां दे दो कर्जे दे दो क्रेडिट कार्ड दे दो वो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक नहीं है वो सूतोर का बच्चा है शौकत अजीज हो या मोइन कुरैशी हो या इस वक्त जो बैठे हुए हैं ये सारे हैं दे आर नॉट डेवलपमेंटल इकोनॉमिक जो नस्लों की प्लानिंग कर रहे हो कि आने वाली नस्लों के लिए हम किस तरह पाकिस्तान की तमीर जैसे अयूब खान ने किया था आज पूरा पाकिस्तान अगर चल रहा है तो अयूब खान के विजन पर चल तो मजीद हमने क्या करना है जैसे कि पहले आप एक मजबूत हुकूमत लेकर आए अकाउंटेबिलिटी शुरू करें शरीय नाफिज करें चोरों के हाथ काटे और पैसा निकालना शुरू करें कई सौ अरब डॉलर आप निकाल लेंगे बगैर इन्वेस्टिगेशन किए आप सिर्फ इन चोरों से यह कहें निकालो अपना पैसा अब वरना तुम्हारे हम हाथ काटेंगे जैसे कहा मुजाहिद तो नहीं जो स्टैंड लेंगे आपको पता भी नहीं होगा दुनिया के किस कोने से पैसा ला के ये आपको जमा कराएंगे आप इनके पीछे नहीं जा सकते बीस बीस साल लग जाएंगे पनामा केस इन्वेस्टिगेट करते हुए आपको रूथलस होना आपको ये सऊदी अरब के बादशाह ने क्या किया था तो अजीब बरीब तरीका उसका लेकिन इफेक्टिव था सारे सऊदी शहजादे सऊदी माल लूट रहे थे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये मोहम्मद बिन सलमान जब आया तो उसने आपको याद है इन सारों को उसने होटल में बंद कर दिया कहा तुम लोगों को मैं निकलने नहीं दूंगा जब तक पैसे नहीं निकालोगे हत्या के वलीद बिन तलाल जैसा जो उसका कजन दुनिया का सबसे अमीर आदमी था उसको भी उसने बंद कर दिया एक अरब डॉलर निकलवाए उसने एक महीने के अंदर एक सौ अरब डॉलर इनसे निकलवाए उनको उन सबसे जाओ भागो अपना काम करो लेकिन जो चोरी किया हुआ था पैसा इन लोगों ने उन्होंने निकाल निकाल के सऊदी हुकूमत को वापस किया यही सब कुछ हमको करना है। और हमारे पास तो बहुत खुले केस हैं और हमारे पास तो बहुत केस ऐसे हैं क्या खूबसूरत सीन होगा कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में टूडे बैठे होंगे सबका एक एक हाथ कटा होगा दुनिया को नजर आएगा कि चोर का बच्चा था इसने मुसलमानों का माल खाया था इसलिए इसके हाथ काट दिए गए नाउ वी हैव टू डू दिस अल्लाह का हुक्म नाफिज करें मेरे कहने पर कुछ ना करें अल्लाह के हुम पर करें सईदी रसूल के हुक्म पर चोर के हाथ काटो और जमीन में फसाद करने वालों के हाथ और मुखालिफ मुखाल से, से इस्लामी ताकत गर्क हो रही है, है। इन्होंने जो यूरोप में अपने अपार्टमेंट और फ्लैट्स और घर और किले और प्लाजे और दुबई में अपने बड़े बड़े टावर खड़े किए हुए हैं ये सब हराम का पैसा एक पैसा हलाल नहीं है इनके पास इनके वजूद और यह हमने वापिस निकालना है और इसके लिए आपको कोई दुनिया में इन्वेस्टिगेट करने की और जे बनाने की जरूरत नहीं है एक को पकड़े पहले छोटी उंगली काट दी देखे उसके कहें बुरा हाथ पूरा सर तेरे गर्दन कटेगी अगर तूने पैसे ना निकाले ये सब कुछ निकाल के खुद दे देंगे आप कोई अल्लाह का हुक्म नाफिज करें इसमें ही खैर है कहसास में ही हमारी जिंदगी है कहसास नाफिज नहीं करेंगे अस्तख्रम हलाक हो जाए इन जलील और कमीने लोगों ने जितने भी ये घटिया एग्रीमेंट्स किए जिन एग्रीमेंट्स के नतीजे में आज रियासत पाकिस्तान गर्क हो रही है वो सारे एग्रीमेंट आपको कैंसिल सारे एग्रीमेंट रिन्यू करने रिव्यू करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ा एग्रीमेंट इसके अंदर यह है आपको स्टेट बैंक को वापस रियासत पाकिस्तान के कंट्रोल में लाना है गवर्नर स्टेट बैंक और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक रियासत पाकिस्तान अपॉइंट करेगी आई अपॉइंट नहीं करेगा क्योंकि पूरे पाकिस्तान का खून जमा होता है स्टेट बैंक में वो फैसला करता है कि ब्लड सर्कुलेशन मुल्क में जो जारी रहेगी वो कैसे रहेगी ये हराम खोर के बच्चे इतना हाई इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में बिजनेस करना ही पॉसिबल नहीं रहेगा जीरो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए और ये बीस इक्कीस फीसद पर न जाने कहां ले जा रहे हैं मुमकिन ही नहीं है और फिर जो कंट्रोल इनके पास है कि एक एक पैसा जो पूरे मुल्क में घूम रहा है एक एक बैंक अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन आ रही है जो रेमिटेंस आ रही है ये उसके ऊपर एतराज लगा रहे हैं मुश्किल तंग आए हुए हैं पाकिस्तानी कि बाहर से रिमिटेंस बैंक के जरिए भेजते हैं तो पहुंचती नहीं है मुसीबत होती है सवाल जवाब होता है इंक्वायरी होती है जानबूझ के लोगों को हरास कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल के जरिए पैसा भेजना बंद कर दे फिर लोग हुई और हवाला इस्तेमाल करते हैं फिर कहती है रियासत के पास ऑफिशियल सोर्सेस है पैसे ही नहीं आ रहे रिमिटेंस ही नहीं आ रही ये माशी दहशत ही है आई आपका अपना बनाया हुआ कानून है ना पाकिस्तान ने बनाया था कानून जब इतने बड़े बड़े कानून और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हम कर सकते हैं इस कानून को कैंसिल करते हमें किसकी बददवा लगी है कि हम ना करें आईएमएफ नाराज हो जाएगा आईएमएफ से डील करने का तरीका भी आपको बताने लगे हम ये कैंसिल पहले आप करें स्टेट बैंक को तो वापस अपने कंट्रोल में लेकर आए उसके बाद आईपीपीज इस पर तो पूरा मुल्क बात कर रहा है आईपीपीज के एग्रीमेंट्स भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये जो पॉलिटिशियंस जो इकतेदार में बैठे हुए हैं किसी सूरत पाकिस्तानी रियासत को इन एग्रीमेंट्स को कैंसिल ही नहीं करने दे रहे बाहर के मुल्कों से सिफारिशें लगवाई जा रही हैं क्योंकि ये दूसरे बाहर की ताकतों के फ्रंट मैन थे आपको मैंने पहले बताया था कि ये शेल कंपनी ऊपर से सामने पाकिस्तानी होता है पीछे इंडियन होता है इसराइली होता है शेल कंपनीज बनाई होती हैं ऑफशोर बनाई होती है नजर ही नहीं आता कि असल मालिक कौन है आज तक पता ही नहीं किसी को कि के इलेक्ट्रिक का असल मालिक कौन है इतनी दफा हाथ बदल चुके हैं पीछे तो ये इतना बड़ा फ्रॉड है तो आपको यहां सख्ती करनी पड़ेगी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में आपको कैपेसिटी पेमेंट जीरो फ्लैट अब नहीं पे होगी कोई कैपेसिटी पेमेंट जितनी बिजली आपसे लेंगे और वो हम आपको पे करेंगे ये इतनी महंगी जो बनाकर हमें दे रहे हैं बताते है, फ्रॉड है तो आई पी के एग्रीमेंट को तो फौरी तौर पर खत्म करें ये जो साठ रुपए यूनिट बिजली और ये हराम खोर पूरे पाकिस्तान के अरबों खरबों रुपया हम कैपेसिटी पेमेंट इन जलीलों को दे रहे हैं दिस हैजू स्टॉप टू और जैसे ही आप ये बंद करते हैं आप देखें कि रियासत पाकिस्तान के पास कई हजार अरब रुपया साल का बचना शुरू हो जाएगा कि जो हम कैपेसिटी पेमेंट और सर्कुलर डेट आप सारे सियासतदानों को आप जानते हैं कि ये बैंकों से कर्जा लेके माफ करा लेते हैं जहां इनका इंटरेस्ट होता है ये बैंक से कर्जा माफ़ करा देते हैं तो जहां पाकिस्तान का इंटरेस्ट है वहां क्यों नहीं कर्जा माफ किया जा सकता किया जा सकता है कर्जे दे ज्यादा देखें दुनिया में एक बात मैं आपको बताऊं कई मुल्क ये बात कर चुके हैं मिसाल देता हूं सिर्फ मैं कि मसलन एक हुकूमत ने एक बैंक से पांच सौ अरब रुपए का कर्जा लिया अब वो हुकूमत जो है वो पांच सौ अरब का कर्जा बैंक को वापस नहीं कर सकते अब अगर वो कर्जा वापस करती है तो उसके लिए पूरी कॉम पर उसको टैक्स लगाना पड़ता है पूरे मुल्क में क्राइसिस खड़ा हो जाता है हर चीज महंगी करनी पड़ती है जिंदगी अजाब हो जाती है पूरी कौम की उसके नतीजे में जो टैक्सेस और सूद और पैसा जमा होता है फिर वो एक प्राइवेट बैंक को पांच सौ अरब की कर्जे और सूद की अदायगी होती है तो कई मुल्कों ने यह किया है कि अपनी कौम को बचाने के लिए प्राइवेट बैंक को डुबो दिया है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट कीजिए दुनिया में कई मुल्क कर चुके हैं कई तगड़े और दलेर हुक्मरान कर चुके हैं एक प्राइवेट सूदखोर बैंक जिसने इतना भारी कर्जा हुकूमत को 40-50 फीसद के ऊपर दिया हुआ है और सूद खा रहा है उसको डुबो दिया लेकिन पूरी कौम को बचा लिया कि ना टैक्सेस लगाए ना महंगाई हुई ना कौम के अंदर माशरे में इंतार फैला और हुकूमत ने एक बैंक को डुबो दिया अमेरिका में देखते हैं आप रोज बैंक डूबते हैं और बैंक तबाह होते हैं जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको हुकूमत कॉम्पनसेट कर देती है बैंक को डुबो देती है और वो बैंकर सूदखोर जो अल्लाह रसूल से वैसे ही हालत है जंग में था वो नुकसान उठाता रहा एक शख्स का नुकसान बेहतर है पूरी कौम को गर्वर करने के बजाय आप एक्चुअली ये कर सकते हैं एक तगड़ी है। जब माशी एमरजेंसी आप लगाएंगे तो कौम को बचाने के लिए बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को आप एक्चुअली डबो सकते हैं हमको प्राइवेट बैंक्स की जरूरत नहीं है जो कुछ तबाही मुल्क में ये प्राइवेट बैंक मचाते हैं कौम को उसका अंदाजा ही नहीं है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के जरिए जिस तरह ये सौ रुपए को हजार रुपए बना के दिखाते हैं जिस तरह ये फेक करेंसी क्रिएट करते हैं एक तो वैसी फेट करेंसी है फेक करेंसी है पेपर की है जिसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है मेक बिलीफ है बिल्कुल एक टोटल फ्रॉड और फिर उस फ्रॉड के अंदर भी है एक सौ रुपया लेके हजार आदमियों को वो कर्ज देते थे एक सौ रुपया हजार लोगों को कर्ज देते हैं अपनी उस जादू के जरिए जिसको ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंट करेंसी क्रिएट करते रहते हैं सिर्फ अपनी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के जरिए आप जरा पढ़े ना कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होती है फाइनेंस का इतना बड़ा फ्रॉड है ये इसीलिए ये सूद के निज़ाम के खिलाफ अल्लाह उसके रसूल ने नेलाना जंग किए अगर आपके पास सोने की एक अशरफी है तो आप सोने की एक अशरफी ही कर्ज दे सकते हैं लेकिन अगर आप पास फेक पेपर करेंसी और उस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग है तो आप एक सौ रुपए की जगह हजार रुपया भी कर्ज दे सकते हैं इस तरह का फ्रॉड करते हैं बुक कीपिंग में ये और इसी वजह से माशरे में करेंसी माशरे में पैसा ज्यादा फैल जाता है जो कि हकीकत में मौजूद नहीं होता इसीलिए इन्फ्लेशन होती है इसीलिए महंगाई होती है आप अगर आज सारे सिर्फ अपने मोहल्ले के लोग ही अगर भाग के चले जाए अपने बैंक से पैसा निकालने के लिए वो बैंक डूब जाएगा क्योंकि कैश है ही नहीं उसके पास कोई भी बैंक दुनिया का जो अकाउंट होल्डर्स उसके हैं अगर वो अपने अकाउंट होल्डर्स जाके उससे पैसा निकलवाने लगे वो बैंक पैसा नहीं दे सकेगा क्योंकि पैसा होता ही नहीं उनके पास वो सब पेपर बुक कीपिंग और फ्रॉड तो प्राइवेट बैंक्स एक्चुअली सबसे बड़ा जरिया है किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए तो हम स्टेट बैंक क्यों नहीं रख सकते सिर्फ हम सिर्फ नेशनल बैंक क्यों नहीं रख सकते हम एक नया बैतुलमाल क्यों नहीं बना सकते पाकिस्तान को ज़रूरत है एक्चुअली की जिसकी या तो नेशनल बैंक को डेवलप करें कि वो पूरे मुल्क के अंदर ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट होकर काम करे क्योंकि तो नेशनल बैंक रियासत है पाकिस्तान की मलकी है अगर रियासत है पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है तो वो नेशनल बैंक से ले पूरा पाकिस्तान अगर अपने पैसे नेशनल बैंक में रखवाएगा तो रियासत है पाकिस्तान अपने ही लोगों से पैसे लेगी अपने ही बैंक में उसको सूद इस तरह तो नहीं अदा करना पड़ेगा ना देगी लेकिन प्राइवेट बैंक करते यही है कि पूरे पाकिस्तान से पैसा जमा करते हैं लोगों को दस फीसद सूद खिलाते हैं खुद चालीस फीसद हुकूमत को देते हैं तीस चालीस फीसद सूद खुद बीच में खाते हैं और हमें कोई फायदा नहीं होता सिर्फ बीच में सूद हो है जो पैसा खा रहा है और हुकूमत पाकिस्तान फीसद पर उनको सूद अदा कर रही है नेशनल बैंक को तो आपको फीसद पर सूद नहीं देना पड़ेगा यार हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से कर्ज लेती है तो आपको चालीस फीसद तो सूद नहीं देना पड़ेगा आपको सूद के निजाम के खिलाफ सीरियस जंग करनी है और जिस तरह कहा कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं खासतौर पर स्टेट बैंक का एग्रीमेंट है आई पी पीस का एग्रीमेंट है और ये दो और एग्रीमेंट्स आ गए हैं कि जिनमें इंटरनेशनल लेवल पर हम इन्वॉल्व होंगे लेकिन यहां पर हमें स्टैंड लेना पड़ेगा एक रिकोडिक का है और दूसरा सी पैक है रिकोडिक का एग्रीमेंट बहुत ही शर्मनाक और पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी है एक अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी यानी अमेरिका की सेशन कोर्ट सोचे अमेरिका और उसकी भी एक सेशन कोर्ट उसने फैसला दिया इस बैरक गोल्ड के फेवर में कि जी हुकूमत पाकिस्तान छह अरब डॉलर अदा करेगी जुर्माने के तौर पर इमरान हुकूमत खौफ में आके जमीन पर लेट गई अब सोचे पाकिस्तान की लाहौर की सेशन कोर्ट अगर फैसला करे कि अमरीका की हुकूमत पाकिस्तान को दस अरब डॉलर अदा करेगी अमरीका की हुकूमत क्या करेगी हैसियत क्या है पाकिस्तान की सेशन कोर्ट की अमेरिकन गवर्नमेंट को अमेरिकन प्रेजिडेंट को चैलेंज कर सके यही हैसियत अमरीका की सेशन कोर्ट की थी उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला किया था सिर्फ एक मैजिस्ट्रेट ने फैसला किया था मामूली सा बैठ के और रियासत पाकिस्तान जमीन पर लेट गई इमरान का दौर था चुप ये तो खुद यहूदी खानदान से सारे ये जुल्फी बुखारी और ये हराम फोर और ये जितने भी ट्रंप के आसपास पास जेरट के रिश्तेदार इन्होंने पूरी हुकूमत पाकिस्तान को कहा कि जी आप तो तबाह बर्बाद हो गए अगर आपने छ अरब डॉलर अदा नहीं किए तो इमरान जाहिर एज यूज इडियट एज ही इज और मिला हुआ इनके साथ इन्होंने कहा ठीक है जी हम ऐसा करते हैं कि छे अरब डॉलर बचाने के लिए पांच सौ अरब डॉलर का सोना इन यहूदी रोथ चाइल्ड को दे देते हैं ये एग्रीमेंट है और सिर्फ यही नहीं कि जो एक हजार अरब डॉलर का सोना और कॉपर जो जो रिकॉर्डिंग में रखा हुआ है आपने छ अरब डॉलर बचाने के लिए पांच सौ अरब डॉलर का सोना ऑन पेपर इनके हवाले कर दिया कि जो भी निकलेगा वो यहूदी ले जाएगा इसराइल साथ साथ उन्होंने ये शराय भी डाल दी कि ये सोना सारा का सारा मुल्क से बाहर प्रोसेस होगा यानी आप ये छे ट्रेन के डब्बे हर महीने भरकर सोना और रेत और कॉपर जो है वो निकालेंगे यहां से और उसको साउथ अफ्रीका ले जाएंगे कहीं अपनी फैक्ट्रीज में वहां प्रोसेस करेंगे अगर सौ मन सोना निकलता या सौ किलो सोना निकलता है तो हकूमत पाकिस्तान को नहीं पता होगा कि वहां कितना निकला है जो यहूदी बताएगा वो आपको मानना पड़ेगा तो वो सौ किलो निकालेगा आपसे कहेगा जी दो किलो निकला है पांच किलो निकला है उसमें से आधा जो है वो यहूदी ले लेंगे बाकी जो दो ढाई किलो है वह हकूमत पाकिस्तान का और उसमें से भी हकूमत पाकिस्तान ने पंद्रह फीसद सऊदी अरब को दे दिया है एक अरब डॉलर लेके हमने तीन सौ अरब डॉलर का सोना सऊदी अरब को दे दिया मतलब बिल्कुल पागल है हमके में मतलब बावले कुत्ते ने काट लिया है हम क्या कर रहे हैं अपने साथ और पाकिस्तान के साथ जब सेंडक में चंद किलोमीटर दूर सेंडक की माइन है गोल्ड की वो हम सारे पाकिस्तानी वहां चला रहे हैं उसको वो भी हमने चाइना को फरोख्त की हुए ना जाने किन शराय के ऊपर लेकिन कम अज कम वहां प्लांट लगा हुआ है वही प्रोसेसिंग हो रही है पाकिस्तानी उसको चला रहे हैं तो हम रिकॉर्डिंग का सोना खुद क्यों नहीं निकाल सकते वही सेंडक वाला प्लांट उठा के रेकोडिक में क्यों नहीं लगा सकते हमको यहूदियों को लाके के रॉथ चाइल्ड को लाके बलूचिस्तान के बीच में बिठाने की क्या जरूरत है कोयटा में उन्होंने अपना कमांड सेंटर बना लिया है वहां से बैठ के वो बीएलए को सपोर्ट करेंगे ऑलरेडी वो रेकोडिक के अंदर वहां पर उन्होंने अपना किला बनाना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह वहां पाकिस्तान आर्मी तक दाखिल नहीं हो सकेगी कुछ अरसे के बाद इनके सारे इसराइली आर्मी और मर्सनरीज और सारे इनके ब्लैक वाटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स आके वहां बैठेंगे उनके अपने हेलीकॉप्टर्स होंगे उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क होगा छह हजार ट्रेन के डब्बे निकालेंगे ये गवादर के जरिए और लेके जाएंगे साउथ अफ्रीका प्रोसेस करने के लिए ये कौन सी डील है जो हमने की है इसको हंड्रेड परसेंट कैंसिल करने की हमें जरूरत है इसी वक्त यह कहकर ये कह रोचक रीजन हमारे पास है पूरी दुनिया इसराइल के साथ एग्रीमेंट कैंसिल कर रही है गजा के जेनोसाइड के बाद आप साफ साफ कहें कि जी रॉथ चाइल्ड की यह कंपनी है रॉथ के साथ पाकिस्तान डील नहीं कर सकता क्योंकि इसराइल का बानी खानदान है पाकिस्तान यहूदियों को इसराइल को तस्लीमी नहीं करता और तुम मुसलमानों के जेनोसाइड में शामिल हो लिहाजा ये डील कैंसिल की जा रही है जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लो इनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता कोई करने वाला शेर दलेर पाकिस्तान में बैठा हो ना तो ये रेकोडिक की डील होगी रेकोडिक की डील कैंसिल करनी है वो हम नहीं चला सकते किसी सूरत में नहीं चलाया जा सकते और यही मामला सी के साथ सीपेक का सारा प्रोजेक्ट देखिए आपको थोड़ा सा सीपेक का बैकग्राउंड है चाइना की जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो तकरीबन पांच ट्रिलियन डॉलर है पांच हजार अरब डॉलर की ट्रेड करता है चाइना ये तकरीबन एक्सपोर्ट्स उसकी इतनी ज्यादा है चार पांच हजार अरब रुपए की एक्सपोर्ट्स है जो वो पूरी दुनिया को करता है और वो सारी एक्सपोर्ट्स उसकी होती है साउथ चाइना सी से ताइवान के सामने से और इसलिए चाइना को मालूम है कि जब वो ताइवान पर हमला करेगा कब्जा करने के लिए तो वो समुंदर सारा बंद हो जाएगा उसके बाद तो चाइना की एक्सपोर्ट्स नहीं जा सकेंगी समुंदर के रास्ते तो चाइना की जरूरत थी कि ये ओबोर बनाए यानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कि हम जमीनी रास्ते से अपनी एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करें इसके लिए वो एक तरफ सेंट्रल एशिया में गए और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूट था उसका मिडल ईस्ट तक जो शॉर्टकट पड़ता था वो पाकिस्तान के थ्रू था गवादर गवादर से सारी मिडल ईस्ट मार्केट जो सीपैक जिसको आप कहते हैं अब सी से इनका अंदाजा यह है कि चाइना 1500 अरब रुपए सालाना की तजारत करेगा एक्सपोर्ट करेगा आप मुझे बताइए सी पाकिस्तान की जरूरत है या चाइना की जरूरत चाइना की जरूरत तो अगर सी चाइना की जरूरत है और उसको यहां पाकिस्तान से गुजारना है अपना रास्ता अपनी सारी तजारत को मिडल ईस्ट तक पहुंचाने के लिए तो जो ये फिर चाइना की जिम्मेदारी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर पाकिस्तान में उसको जरूरत है वो खुद तामीर करे सड़कें भी खुद बनाए एयरपोर्ट भी खुद बनाए बंदरगाह भी खुद बनाए पाकिस्तान को कर्जा किस बात का दे ये जो शराय हमने तय की है वो इस तरह की की है कि जी हम कर्जा लेंगे चाइना से इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का सो तजारत भी चाइना की होगी फायदा भी चाइना को होगा और तो सूद भी पाकिस्तान अदा करेगा ये किस कस्म की जलील शराय है जो हमने चीन से तय की हैं और इसीलिए इनको छुपा के रखा जाता है हमेशा कि हर कहते हैं चाइनीज को पसंद नहीं है कि इनके एग्रीमेंट पब्लिक किए जाए इसका क्या मतलब है कि चाइनीज को पसंद नहीं है पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कि नहीं है? पब्लिक करें ना, खुफिया रखा हुआ है इसमें के एक सेमिनार में, के अगर हमने चाइना के साथ अच्छी तरह नेगोशिएट ना किया तो होगा ये सीपैक पे हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाते रहेंगे और अपने ढाबे के होटलों में उनको खाना खिलाते रहेंगे बाकी हमारे पल्ले कुछ भी नहीं आएगा एंड The trade quantum that is is going to pass through Pakistan will be $1 trillion dollars. It ट्रेड क्वान पाकिस्तान को इसका कोई फायदा नहीं होगा टायरों के पंक्चर लगाएंगे और उनको होटलों पर रोटी खिलाएंगे वी विल और चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है श्रीलंका के साथ अफ्रीका के कई मुल्कों के साथ डेट ट्रैप इन्होंने भी किया हुआ श्रीलंका की इन्होंने पोर्ट बनाने के लिए कर्जा दिया श्रीलंका के पास पैसे नहीं थे उन्होंने कहा ये पूरी पोर्ट हमें दे दे अब, अब सारी पोर्ट जो है वो चाइना इस्तेमाल करता है श्रीलंका की श्रीलंका के हिस्से में देला भी नहीं आता अब गवादर की पोर्ट जो बन रही है इसमें कितना प्रॉफिट पाकिस्तान का है कितना चाइना का है होना तो यह चाहिए था कि हम ये कह हमारी जोग्राफी तुम तो इस्तेमाल कर रहे हो हमारी सड़कें तुम तो इस्तेमाल कर रहे हो पाकिस्तान का जोग्राफिया हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमें एक रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं थी सीपैक के ऊपर ना कर्ज लेने की जरूरत थी ये सारी मजबूरी चाइना की है हमारी नहीं हमारी तो कोई सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट ही नहीं है चाइना की तो पंद्रह सौ अरब डॉलर की एक्सपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान के रस्ते जानी है तो सीपेक को भी रीनिगोशिएट करें चाइना के साथ बराबरी की सतह पर बात करें लेट के बात ना करें एक चाइनीज कंजर आते हैं पाकिस्तान के झंडे पकड़े होकर गालियां बकते रहते हैं तो हमारी पुलिस देखती रहती है इसलिए कि चाइना का एक बंकी है वी हैव टू डील विद ऑनरेबली एंड विद डिग्निटी आप डिग्निटी के साथ उनसे बात करेंगे वो ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और अगर चाइनीज लोग पाकिस्तान में मर रहे हैं तो ये कॉस्ट ऑफ द एम्पायर है जो उनको भी पे करनी है और हम भी पे कर रहे हैं जब ब्रिटिश एम्पायर के लोग पूरी दुनिया में मारे जाते थे तो वो कहता था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के दिस इज द कॉस्ट ऑफ द एम्पायर दैट वी पे जब हम इतनी बड़ी एम्पायर बनाना जा रहे हैं तो अपने लोगों को मरवाना पड़ता है इसके लिए जाने दी जाती है तो चाइनीज अगर इतने बड़े एम्बिशन रखते हैं पूरे रीजन में तो फिर उनको भी रिस्क लेना है हमारे साथ जिस तरह हम रिस्क ले रहे हैं हमारे लोग ज़्यादा शहीद हो रहे हैं उनके लोग कम मारे जाए कॉस्ट ऑफ द एम्पायर है ये क्या ब्रिटिश आर्मी जो यहाँ पे इंडिया पे हुकूमत करती थी इसके लोग नहीं मारे जाते थे उन्होंने तो कभी एहत नहीं किया कि हमारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं बिकॉज दे न्यू इट वॉज द कॉस्ट ऑफ द एम्पायर तो सीपेक को रीनिगोशिएट करने की जरूरत है अब मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने है इस एक प्रोग्राम में लेकिन यही बात बताने की मकसूद है कि जो गलत कॉन्ट्रैक्ट्स आपने किए हुए हैं चाहे वो स्टेट बैंक हो या आई पी पी हो या रिकोडेक हो या सी पैक हो इन सब को रीनिगोशिएट करने की जरूरत है और ये पेट्रियाटिक टीम करेगी डेवेलपमेंटल इकोनॉमिस्ट करेंगे ये सूदखोर बैंकर जिनको फाइनेंस मिनिस्टर बना के बिठाते हैं और चोर करप्ट नापाक पलीत हरामखोर हमारे सियासतदान जो खुद माशी दहशतगर्द गर्द जिन्होंने मुल्क बेड़ा गर्क कर दिया इन सारे के था बाहर से पावर्स आती हैं मल्टी आती हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स को एक करोड़ दो करोड़ रुपया देती हैं और ये बिजली के रेट बढ़ा देते हैं यानी पावर ये अभी आपकी बिजली का ये है अब आप एक पावर प्रोड्यूसर आ गया अब मैंने एक दफा बस चेक किया था इसका अगर एक सेंट आप उसको टैरिफ में ज्यादा दे दें ना वो मुझे एक अरब रुपए दे देगा इतना पैसा है उसमें इतना पैसा है ओवर लेकिन उसका नुकसान आप बिजली महंगी दोगे ना आवाम मुशरफ का खाद इंट कहता है सब मुसीबत सारी ऊपर से जब तक कि आप टॉप ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक मुल्क ठीक नहीं होगा प्रेसिडेंट मुशरफ नहीं साफ बात पूरे पाकिस्तान नेशनल टी वी पर यह बात कही शायद आप मिल जाए वो इंटरव्यू आपको अब जब आपने एक पेट्रियॉटिक टीम बिठा दी है आपने फाइव ईयर प्लान बनाना शुरू कर दिया है आपने अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दी और हरामखोरों के हाथ पांव काट के आप सूची चढ़ा रहे हैं और पैसा रिकवर कर रहे हैं कई सौ अरब डॉलर तो आप रिकवर कर लेंगे यकीनी तौर पर आई कैन गारंटी यू दिस आपने सारे फॉल्ट जितने भी गलत एग्रीमेंट्स हैं खतरनाक एग्रीमेंट्स हैं उनको आप रीनिगोशिएट करें कैंसिल करें वो आपने शुरू कर दिया तो उसके बाद मामला आता है अब आई से डील करने देखिए आई जैसे कहा कि यह एक आलमी दहशत गर्द है मगर जो एग्रीमेंट इसने किए हुए अपने आप को बड़ा इंसानी दिखाने के लिए इसमें बहुत सारे क्लॉज़ेस वो डालते हैं जिसमें एक क्लॉज होता है फोर्स मेज़ोर का और ओडीएस डेट का इंटरनेशनल लॉ में ओडीएस डेट एक कर्ज है जो रिकग्नाइज ओडीएस डेट एक टर्म है लीगल एक बाकायदा कानून है कि अगर कोई कर्ज किसी मुल्क ने लिया लेकिन उस मुल्क के हुक्मरान चोर थे उसको खा गए तो वो कौम की जिम्मेदारी नहीं है उस कर्ज को अदा करना ओडीएस डेट जब आप अपने मुल्क में अकाउंटेबिलिटी शुरू करते हैं इनको फांसियां लगाना शुरू करते हैं लूटी हुई दौलत निकालते हैं तो आप केस बन जाता है आपका कि जो कर्जा हमने आईएमएफ से लिया था ये ओडीएस डेट ये सारे हरामखोर खा गए और पाकिस्तान को नहीं मिला आई एम को अच्छी तरह पता है कि ये पाकिस्तान को नहीं लगता ये सारे हराम खोर खा जाते हैं अपने MNAS, में तकसीम कर देते हैं लेकिन वो जान के बार बार देते चले जाते हैं बिकॉज उनका पाकिस्तान की डेवलपमेंट तो है ही नहीं वो तो वैसे ही ट्रैप ट्रैप और डेथ पाकिस्तान के लिए बना रहे तो यहां पर पाकिस्तान की हुकूमत सीधे सीधे खड़े होकर आई एम से कहे कि हम पांच साल तक आपको अब कोई सूद कोई कर्जा अदा नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं हम अपने अंदर वो लूटी हुई दौलत निकाल रहे हैं और हम ओडीएस डेट क्लेम कर रहे हैं यू कैन डू दैट कई मुल्कों ने किया हुआ है हम भी कर सकते हैं और साथ अगला स्टेप फोर्स में कि जी पाकिस्तान में हालात इतने खराब है क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा सैलाब अभी पिछले दिनों हमारे मुल्क में आया था तो फोर्स में जो एक है कि वो ऐसे हालात जो हमारे कंट्रोल में नहीं है अगर वो हालात इस तरह के पैदा हो जाए कुदरती आफात जंगें इनकी वजह से तो फिर कर्ज की अदायगी रोक दी जाती है ये भी एक इंटरनेशनल लॉ है बलूचिस्तान के पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों में मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज़ ने आके ब्लॉक्स लिए हुए हैं कि जी यहां हम तेल और गैस की खुदाई करेंगे बीस बीस पच्चीस पच्चीस साल से और उन्होंने बुक कर लिए हैं वो इलाके अपने लिए लेकिन वहां वो खुदाई नहीं कर रहे पाकिस्तान से तेल निकलने नहीं दे रहे और वो सारे हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ फोर्स मेजोर क्लेम करते हैं जी हालात ख़राब हैं बी एल ए है दहशतगर्दी है, है लिहाजा हम खुदाई नहीं कर सकते लिहाजा अब पाकिस्तान हुकूमत मजबूर है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया है उस पूरे पूरे ब्लॉक का आप ना खुद खुदाई कर सकते हैं ना किसी और कंपनी को दे सकते हैं और जिस मल्टीनेशनल को दिया है चूंकि वो हरामखोरों की है आलमी ताकतों की है ईस्ट इंडिया कंपनीज की है वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान से तेल और गैस निकले लिहाजा वहां खुद भी खुदाई नहीं करते और जो हमारे खिलाफ वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वही फोर्स पे जोर का जब पाकिस्तान के खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल हो रहा है तो हम आई के खिलाफ भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं कोई मुश्किल नहीं आई क्या उखाड़ लेगा हमारा अगर हम इंटरनेशनल लॉ पर जाके पूरा केस बनाए और यह कहें कि हम इनकार भी नहीं कर रहे कि तुम्हारा कर्ज तुम्हें नहीं देंगे हम पांच साल के बाद देना शुरू करेंगे इनका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा हम इनकार भी नहीं कर रहे हैं मॉरल हाई ग्राउंड है हमारे पास हम ये कह रहे हैं हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि ओडीएस डेट है हम ये कह रहे हैं कि फोर्स में जोर है हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से तबाह हुआ हुआ है हजार रीजन है हमारे पास कि हम डेट पेमेंट बंद करते हैं अब सोचे आई एम को अगर आप डेट पेमेंट बंद कर देते हैं इंटरनेशनल डोनर्स को आप डेट पेमेंट बंद कर देते हैं तो साल का आठ दस हजार अरब रुपया आप बचा रहे होंगे इमेजिन करें आप पर कोई कर्ज नहीं होगा प्रैक्टिकली चंद सालों तक आपके और ये जो पैसा आठ दस हजार अरब रुपया आप बचाएंगे अगर चलो दस हजार ना सही पांच हजार अरब रुपया भी अगर आप बचा लेंगे डिफेंस बजट का डबल अमाउंट जो है वो आप सिर्फ बचा लेंगे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के ऊपर जो पेट्रियोटिक टीम होगी आपके पास जो ये हराम फोर चोर नहीं होंगे उनको हटाकर आप डंडे वाली सरकार ला चुके होंगे तो सोचें वो डंडे वाली सरकार इतने इजाफी पैसों का क्या करेगी फिर जो डेवलपमेंट शुरू होगी मुल्क के अंदर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के जरिए आप मुल्क में तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम का सेहत का हेल्थ का डैम्स और पानी की नहरें कालाबाग डैम हमको हर हाल में बनाना है शुरू करें उसको कालाबाग सोचें कि अगर नाइन्टीज में कालाबाग डैम बनना शुरू होता चार पाँच छह साल में कालाबाग डैम बन जाता तो आज आपको ना आईपीपीस की जरूरत होती ना साठ रुपए यूनिट आप बिजली ले रहे होते इसीलिए ये सारे हराम खोर सिंध की गवर्नमेंट खासतौर पर यह जरदारी खानदान जो है सबसे ज्यादा मुखालफत कालेबाग डैम की इसीलिए करता रहा कि आई में सबसे ज्यादा शेयर इनका है पी में सबसे ज्यादा हराम इन्होंने खाया है सब पीएसओ को भी ये कंट्रोल करते हैं आईपीपीस को भी ये कंट्रोल करते हैं थर के कोयले को भी ये कंट्रोल करते हैं और सबसे ज्यादा मुखालफत भी कालाबाग डैम की ये करते हैं अब आपको नेक्स्ट समझ में आ गया कनेक्शन क्या है इनका आपस में

जब पाकिस्तान की हुकूमत पहले इतने बड़े बड़े इदारे चलाती थी मुनाफे के साथ चलाती थी अब क्यों नहीं चला सकती के सारे सरकारी इदारे खसारे में जा रहे हैं कहा कि वही बात टॉप की है ऊपर के लोगों को करप्ट करप्टएं अच्छे लोग लेकर आए अयूब खान की टीम जैसे थी गुलाम शाह खान जैसे थे गुलाम शाह खान बाबडा का चेयरमैन था जिसने ये सारे डैम बनाए बाद में गुलाम शाह खान सेनेट के चेयरमैन बने प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने ईमानदार आदमी था ऑनिस्ट एक रुपया नहीं हराम खाया उसने पूरा पाकिस्तान बनाकर चला गया क्या गुलामी शाह खान जैसे लोग आपको दोबारा नहीं मिलेंगे हजारों लोग लेकिन उनको चुनना पड़ेगा आप सियासतदानों के थ्रू तो नहीं आए थर के कोयले पे आपको बड़े बड़े प्लांट लगाने की जरूरत है कि जहां पे पेट्रोल और डीजल आप कोयले से बनाना शुरू करें आप बहरी जहाज भरकर वो कोयला एक्सपोर्ट कर सकते हैं इतना कोयला है जैसे कहा कि 200 साल तक पाकिस्तान की जरूरत पूरी कर सकता है टोटल रिसोर्स अब आप कोयले की तरफ जाए उससे डीजल बनाए उससे पेट्रोल बनाए ना आपको पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ेगा ना डीजल इंपोर्ट करना पड़ेगा उससे बिजली बनाए मुफ्त बिजली बनेगी आप बिजली बनाने के लिए भी आपने मल्टी को वहां प्रोजेक्ट दे दिया है जो आईपीपी वाले कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किए हैं और वहां बन रही है बिजली कोयले से लेकिन आप कैपेसिटी पेमेंट पे कर रहे हैं उसी तरह हराम को जैसे बाकी थर्मल पावर प्लांट्स को आप पे कर रहे हैं क्या मैं कहूंगा इसके रस्ता ये सब कुछ रियासत पाकिस्तान के कंट्रोल में होना चाहिए ये जो हम आपको स्टेप्स बता रहे हैं जो आप सीक्वेंस में करते चले जाएंगे सब कुछ एक साथ होगा आगे पीछे नहीं होगा सब कुछ एक साथ ही होगा जाहिर है पूरी रियासत है एक साथ सारे काम किए जा सकते हैं एक साथ ही हुकूमत बदली जा सकती है एक साथ अच्छे लोग लाए जा सकते हैं एक साथ स्टेट बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स कैंसिल किए जा सकते हैं एक साथ अकाउंटेबिलिटी शुरू हो सकती है एक साथ हार्ट काटे जा सकते हैं ये सब कुछ साइमल्टेनियस होगा लेकिन हम फोर्स सीक्वेंस में बता रहे हैं आपको तो जब आप आइए को पेमेंट बंद करेंगे लूटी हुई दौलत निकालना शुरू करेंगे तो हजारों अरब रुपया आपके पास आना शुरू हो जाएगा ओवरनाइट लिटरली ओवरनाइट क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी के लंबे प्रोसेस पर पढ़ने के बजाय सीधी सीधी शरीयत नाफिज करेंगे और शरीयत की बरकत ही यही है जिस लम्हे आप शरीयत नाफिज करना शुरू करेंगे ये सारे चोर खुद अपना पेट फाड़ कर दौलत निकाल निकाल कर आपके आगे जमा करना शुरू कर देंगे और पहला काम आपने फिर यह करना है कि ये कौम जो तकलीफ में है इसको रिलीफ दे दें स्ट्रेट अवे वो हजारों अरब रुपया जो आप बचाएंगे इसको कौम पर लगा दें ये तीन साल के लिए इनकम टैक्स माफ़ है सारी कौम का सारी मिडिल क्लास आपके सांस आ जाएगी मिडिल क्लास जितना भी आपका बिजली पानी गैस के खर्च हर चीज़ आप सब्सिडाइज करके रिड्यूस कर दें प्राइसेस इसकी कॉम को सांस आ जाएगी इस वक्त कौम की सांस बंद हुई हुई है पीपल कांट ब्रीथ इमीडिएटली रिलीफ देने की ज़रूरत है क्योंकि लोग खुदकुशियां करने जो आए हुए हैं जो बगावती तरीकें बन रही हैं जो फ्रस्ट्रेशन है जो ये कहा जा रहा है कि रियासत पाकिस्तान के साथ हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं इस सारी खुराफात को बंद करने की जरूरत है रियासत पाकिस्तान को अपने वसायल इन हराम खोरों की पेट फाड़ कर निकाल कर अपनी आवाम में तकसीम करने की ज़रूरत है इमिडियटली आपको हेल्थ फैसिलिटीज को बेहतर करना है तालीमी निज़ाम तबाह हो चुका है मुकम्मल तौर पर मतलब तो बिल्कुल ही वी हैव सरकारी स्कूल तो सारे प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं देख रहे हैं आप यहाँ पर रियासत का रोल ही खत्म कर दिया इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का पाकिस्तान को चलाने में इसकी नजरियाती रूहानी तरबियत करने में इस पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तय करने में डेवलपमेंट पाकिस्तान के डेवलपमेंट फाइव ईयर प्लान इन्होंने रियासत पाकिस्तान को लिटरली इस्लाबाद तक महदूद कर दिया अठारहवीं थर्मी तरमीम के बाद और उसको भी डिलीवर नहीं कर रहा है इसलिए कि हराम के बच्चे ऐसे ही है कि जो पैसा इनको मिलता है तो आपको रिलीफ देना है इनकम टैक्स एक हराम टैक्स है यू शुड अंडरस्टैंड सेल्स टैक्स एक हराम टैक्स है इन हराम टैक्सेस टैक्स को आपको खत्म करना है आप एक मुसलमान से वो हलाल कमाई करके एक मजदूर अपने घर लेकर जाता है अपने बच्चों के पैसे दूध खरीदता है बच्चों के लिए तो उससे आप टैक्स नहीं ले सकते ये हराम है यू कॉन्ट डू दिस ये सब आपको सेल्स टैक्स बंद करना पड़ेगा और ये जो मल्टी नेशनल हैं जो पाकिस्तान में काम करती हैं बड़ी बड़ी कोई फूड सप्लाईज में घुसा हुआ है कोई फार्मास्यूटिकल्स के अंदर है कोई आपकी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में है ये आप अगर एक साबुन की टिकिया खरीदते हैं मसलन वो साबुन की टिकिया सौ रुपए की है तो उस साबुन की टिकिया की कीमत होती है अस्सी रुपए और बीस रुपये उसके ऊपर सेल्स टैक्स होता है और पाकिस्तान में होता यह है कि वो कीमत चूंकि आप दुकानदार को देते हैं और वो दुकानदार उस कंपनी को देता है तो सेल्स टैक्स एक्चुअली इन मल्टी नेशनल कंपनीज के पास जाता है वो जमा करते हैं पूरे मस एक करोड़ साबुन की टिकिया उन्होंने बनाई तो बीस रुपए के हिसाब से बीस करोड़ रुपये उनके पास जमा हुआ सेल्स टैक्स का जो उनका काम है कि इन्होंने सरकारी खजाने में जमा कराना मगर वो नहीं कर पूरे पाकिस्तान से सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है लेकिन वो बीस करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जाने के बजाय या इनकी जेब में जाता है या उसको वो अंडर इन्वॉइस करते हैं जी हमने तो एक करोड़ साबुन तो बेची नहीं हमने तो दस लाख साबुन बेची थी लिहाजा एक करोड़ रुपए जमा करा देंगे थोड़ा सा टोटल पूरा करते हैं बाकी एफ बी आर और गवर्नमेंट के करप्शन के साथ मिलकर सारा पैसा ये मल्टी नेशनल खुद खाती हैं साढ़े तीन हजार चार हजार अरब रुपए साल का जो सेल्स टैक्स में ये जमा होता है पाकिस्तान में ये हुकूमत है पाकिस्तान को नहीं जाता हम फॉरन मल्टी नेशनल यहूदियों की जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं सारा अपनी जेब में रख के मुल्क से बाहर ले जाती हैं डॉलर्स में तो सेल्स टैक्स ले किस लिए रहे हैं फिर आप जब आप लूटी हुई दौलत निकालना शुरू कर देंगे जब आप अपने मुल्क के खजाने इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप मजदूर से और किसान से और यतीम से और बेवा से और रिक्शा चलाने वाले से और रेडी चलाने वाले से और गदा गाड़ी वाली से भी आप सेल्स टैक्स वसूल करें इससे बड़ा जुल्म और कोई मुमकिन नहीं है दो मुसलमान तजारत करें तो बीच में हुकूमत अपना टैक्स नहीं निकाल हमको पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को इस्लामी के मुताबिक लाना पड़ेगा दहशत गर्दों के हाथ भी काटें काटेस नाफिज करें इनकम टैक्स खत्म करें इस्लाम में जक़ात का टैक्स इस्लामी कवानी क्यों नहीं नाफिज करते इस्लाम में जक़ात सेविंग्स पर टैक्स है इनकम पर टैक्स नहीं है तुमने सौ रुपए जमा करके रखे हुए हैं सार में रुपए तुम्हें इसको टैक्स देना पड़ेगा अल्लाह ताला चाहता है पैसा सर्कुलेट होता रहे माशरे के अंदर लोग जमा करके ना रखें ये सूदखोर कहता है पैसा बैंक पे रखो सूद खाओ सर्कुलेट ना करो इसको बिल्कुल ऑपोजिट इसीलिए तो अल्लाह उसके रसूल की जंग है उसके साथ आप इनकम पे क्यों टैक्स लगा रहे हैं आप लोगों को कहें कि हम जक़ात जमा बैतुल माल का कॉन्सेप्ट इसीलिए है और माल इज अ मच बिगर कॉन्सेप्ट देन अ बैंक बैतुल माल में माल, माल भी जमा होता है पाकिस्तान में बैतुलमाल को रिवाइव करना पड़ेगा रियासत पाकिस्तान को प्रॉपर बैतुलमाल बनाना पड़ेगा बैतुलमाल में कमोडिटीज भी होती हैं यानी बड़े बड़े स्टोरेज आपको पूरे पाकिस्तान में बैतुलमाल के बनाए जिसमें गंदम भी रखी हुई हो जिसमें चीनी भी हो जिसमें आटा भी हो जिसमें यह भी हो जिसमें सप्लाईज हो ये बैतुलमाल में माल भी रखा और बैतुलमाल में पैसे भी रखे होते हैं जितनी भी बैंकिंग टेक्निक्स हैं पैसा ट्रांसफर करने की अकाउंट खोलने की वो सब इस्तेमाल करें लेकिन कॉन्सेप्ट इस्लामिक बैतुलमाल का होना है हर डिस्ट्रिक्ट का अपना बैतुल माल है कि जिसके अंदर कमोडिटीज भी हैं जिसके अंदर पैसा जमा करने की सहूलतें भी हैं आपको बैतुल माल रखना है यतीमों गरीबों मस्किनों की मदद उस बैतुल माल से करनी है आप सईदी ने फरमाया जिस इलाके से जकवात जमा करो उस इलाके के गरीबों पर खर्च करो हर डिस्ट्रिक्ट अपने गरीबों का खुद जिम्मेदार हो हर का अपना बैतुल माल हो जो मैनेज करे और फिर एक फेडरल बैतुल माल हो जो पूरे पाकिस्तान और मुसलमान दुनिया की हिफाजत करे फलस्तीन भजवाना है तो इसल... पाकिस्तान के बैतुल माल से खुराक और खाना और चीनी और गंदम जाए वी हैव टू ऑर्गेनाइज ब्रिंग बैक द इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल इनकम टैक्स खत्म करें लोगों पर जो जालिमाना हजार तरह के तो टैक्स हम दे रहे हैं आज वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं आपको मैंने समझाया था कि खाल उतार के जो ये टैक्स ले रहे हैं ये सिर्फ सूद की अदायगी में जाए बाप आई एम एफ को ये सूद की अदायगी बंद करेंगे जो हजारों अरब रुपये आपका बचेगा उसका वो सारा रिलीफ आप अपनी कौम को दे सकते हैं अगर आप अपनी कौम को अपनी औलाद समझें जिस तरह घर का बाप क्यों अपनी औलाद के ऊपर खाम खा इतना टैक्स लगाएगा कि बच्चों की कमर टूट जाए उनके बच्चे उसके पोते और नवासियाँ भूखे मर जाए लेकिन बाप दादा कहे कि मुझे तुम बेटों से कहे कि मुझे तुम पैसे निकाल कर कमा कर दो कोई दादा ऐसा नहीं कर इसी तरह घर का जो मुल्क का जो हुक्मरान है उसको शफीक बाप की तरह होना चाहिए उसको खून के आंसू रोने चाहिए उसका खून जिगर बहना चाहिए इस बात पर कि मेरी मुल्क के बच्चे भूखे हैं मेरी कौम तकलीफ़ में है वो क्यों टैक्स लगाएगा उनके ऊपर खास तौर पर वो टैक्स भी इसलिए कि उसने यहूदियों को देना है या नापाक और खंजीर सिर्फ सियासतदानों को देना है ताकि वो लंदन में फ्लैट्स खरीद सके तो हमको इस्लामी माशी निज़ाम लाना पड़ेगा जैसे कहा कि ये बड़ी लंबी डिस्कशंस हैं पूरी प्लानिंग इसकी हम सिर्फ आपको अब सिक्वेंस बता रहे हैं कि इसके बगैर और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास और फिर पाकिस्तान के अपने कुदरती और जो वसाइल अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिए हैं अब उनको इस्तेमाल करें वो हम हमको वो सारे के सारे सौ फीसद रियासतें पाकिस्तान की होने चाहिए चाहे वो कोयला हो चाहे वो रिकोडिक का सोना हो चाहे वो रिकोडिक का कॉपर हो चाहे पाकिस्तान में निकलने वाला क्रोमाइट हो या दरियाए सिंध का सोना हो या पाकिस्तान में तेल और गैस के खायर हों पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े तेल और गैस के खायरे हैं लेकिन चूंकि जैसे कहा ना कि मल्टी नेशनल कंपनीज चूंकि खुदाई करती हैं लिहाजा उन्होंने वो ब्लॉक्स लेके रखे हुए हैं अभी भी खबर पिछले दिनों चल रही थी कि दुनिया का चौथा बड़ा रिजर्व तेल और गैस का पाकिस्तान में निकला है लेकिन उसके बाद उस खबर को दबा दिया गया वो इमरान के दौर में भी शुरू में आया था कि पाकिस्तान के ऑफ इतने बड़े तेल और गैस के झखायर निकले लेकिन दबा दिए गए बात ज़ाहिर है समझ में आती है बात कि ये बात क्यों नहीं निकाली दी जाती क्यों बताई नहीं जाती कौम को क्योंकि आपको सारी बात हम समझा चुके हैं कि इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है बाहर से महंगा फ्यूल मंगवा कर पाकिस्तान में आई पी पी इसको देना इसीलिए ना ये कोयला इस्तेमाल होने देते हैं थर का ना कालाबाग डैम बनने देते हैं ना पाकिस्तान में तेल और गैस के जखीरे खोदने देते हैं एक मरतबा ऐब खान जैसा कोई हुक्मरान पाकिस्तान में आ जाए अयूब खान ने सिर्फ दस साल हुक्मरानी की थी याद रखिएगा आज पूरा पाकिस्तान उसकी बरकत से चल रहा है चाहे इस्लामाबाद का शहर हो या सीपेक हो या करक्रुम हाईवे या मंगला या तरबेला या वारसक डैम और पता नहीं क्या क्या गवादर ये सब कुछ अयूब खान की बरकत एक अच्छा हुक्मरान आ जाए पाकिस्तान की राथ राथ बदल पाकिस्तान के कुदरती के आपको देते हैं है। है। इस वक्त पूरी दुनिया लिथियम के पीछे जा रही है हजारों टन लिथियम पाकिस्तान के अंदर मिलियंस ऑफ टन ऑफ लिथियम पाकिस्तान में मौजूद है अरबों डॉलर इसकी कीमत है कोयला जैसे बताया कि पूरे ईरान और सऊदी अरेबिया के कोयले के एनर्जी के जखायर से ज्यादा एनर्जी हमारे पास है हम सब कुछ कोयले से बना सकते क्या पेट्रोल तो क्या डीजल तो क्या बिजली तो क्या क्या कुछ नहीं पंद्रह ट्रिलियन डॉलर पंद्रह हजार अरब डॉलर का कोयला सिर्फ थर में अल्लाह ने और बाकी मुल्क में भी जो मुख्तलिफ जगह पर फैला हुआ है तेल और गैस हमारे पास इतना है जैसे कहा कि वो तो आम एस्टिमेट है कि दुनिया का चौथा बड़ा जखीरा हमारे पास है जबकि हमने मुल्क में अभी खुदाई की ही नहीं पूरा बलोचिस्तान खाली पड़ा हुआ है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज ने फोर्स मेजोर का कानून हमारे खिलाफ अप्लाई करके ना खुद खुदाई करते हैं ना हमें खुदाई करने देते हैं गोल्ड डिपॉजिट्स एक हजार अरब एक ट्रिलियन डॉलर का गोल्ड एंड कॉपर बलोचिस्तान में और रिया सिंध के अंदर और वजीरस्तान में और पता नहीं किस किस इलाके में अभी तो हमने खोदे ही नहीं है कि क्या हमारे पास पड़े हुए आयरन और हमारे पास मिलियंस ऑफ टनस आयरन और है, लोहे के हमारे पास कॉपर के जखायरे हमारे पास हमारे पास जिप्स में हमारे पास क्रोमाइट है और हमारे पास तो रूबीज एमरल्ड एंड सफायर टोपाज और जवाहरात हैं और किसी ने मुझे कहा कि कालाबाग में डायमंड हैं बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर के ये खजाने पाकिस्तान में रखे हुए हैं ना तो हम इनको खुद इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल भी जब करने पे आते हैं तो कौड़ियों के मोल इनकी इनको रफ फॉर्म में एक्सपोर्ट कर देते हैं क्रोमाइट पाकिस्तान से जो निकलता है लिटरली किसी ने मुझे बताया कि हम बीस रुपए किलो के हिसाब से क्रोमाइट की जो ओर है उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जब क्रोम प्रोसेस वापस आता है तो बीस हजार रुपए किलो या दो लाख रुपए किलो से भी ज्यादा उसकी कीमत होती है और हम बीस रुपए किलो में सिर्फ रफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए पाकिस्तान में कि आप कोई रफ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे सिवाय कोयले के कोयले का कुछ नहीं बनता उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या कुछ और अगर उसका कोयले से टार बना लें या कोई दूसरी चीज उसकी भी वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग हो सकती है एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में जो जैमस्टोन्स निकलते हैं जवाहरात निकलते हैं सारे स्मगल होते हैं रफ फॉर्म में अगर पाकिस्तान के अंदर जेम कटिंग फैक्ट्रीज आप लगा लें एक जमाने में हुआ करता था जनरल जिया ने जैम स्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान शुरू की थी जेम सी पी जिसने पूरे पाकिस्तान में लेबॉर्ट्रीज बनानी शुरू की थी लैब्स बनानी शुरू की थी जेम कटिंग लैपेटरीज जिसे कहते हैं जैम जहां पर जवाहरात को काटा जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए थे सैकड़ों बच्चों की तरबियत की गई थी जवाहरात काटने की इतना खूबसूरत इल्म है ये एक जवाहरात कैसे काटे जाते हैं पाकिस्तान में काटलंग में पिंक टोपैस निकलता है जिसकी कीमत हीरे से ज़्यादा महंगी है वो काटलंग का पूरा पहाड़ भरा हुआ है उससे पूरी दुनिया पागल है पिंक टोपैज पे दुनिया में कहीं नहीं है सिर्फ मरदान में निकलता अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट इन सारे जवाहरात को प्रॉपरली काट के इनके लिए एग्जीबिशन अरेंज करे लोगों को ट्रेन करे हज़ारों नौजवानों को कैसा कैसा रोजगार मिल सकता है कैसा पाकिस्तान की शनाख्त हो सकती है मगर पिछले तीस साल में जब से जनरल जया का इंतकाल हुआ है आज तक पाकिस्तान में वो जेम कॉरपोरेशन को बंद करवा दिया इन माफिया माफियाज़या की शहादत के, के फौरन बाद जैम सी पी को बंद कर दिया गया कि ये सारा जवाहरात जो पाकिस्तान से तो चोरी हो रहे हैं ये माफिया जो चोरी कर रहा है इसको पसंद नहीं था कि रियासत पाकिस्तान इस जेम स्टोन के जवाहरात के ट्रेड को कंट्रोल करे जैसे कहा कि दो तीन प्रोग्रामों में सिर्फ आपको अंदाज़ा दिया जा सकता है स्केल का जो दहशत गर्दी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है और आपको ये अंदाज़ा दिया जा सकता है कि अल्लाह ने कितने बड़े बड़े खजाने हमें दिए हुए हैं कि हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं हम पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं और कहाँ हाल यह है कि हमारे लोग भूख और प्यास से और बिलों की ना अदायगी से खुदकुशियाँ कर रहे हैं और यह सारा जुल्म इसलिए है कि पिछले बीस तीस साल से जो नापाक और जलील शराफिया बदमाशिया कमीने लोग पाकिस्तान पर हुकूमत करते रहे उनका वेस्टेड इंटरेस्ट ये था कि पाकिस्तान को गरीब रखा जाए क्योंकि बाहर की ताकतें इनको पैसा खिलाती हैं और इनसे कहती हैं कि पाकिस्तान की तबाही आप करें हम कर्ज पर कर्ज आपको देते रहेंगे वो कर्ज लेकर आप लंदन में फ्लैट खरीदते रहें कर्जा पाकिस्तानी कौन देगी जब नहीं दे सकेगी तो पाकिस्तान में हम ये नजरियाती तकरीब कारी करेंगे कि रियासत पाकिस्तान ने हमें दिया क्या लिहाजा महारंग बलोच और मंजूर पश्चिन को खड़ा किया जाएगा फिर उनकी मदद की जाएगी फिर वो बगावतें बरपा करेंगे और आखिर में भारतीय फौज मुक्ति बहानी की तबाही के बाद दाखिल होगी और पाकिस्तान को युगुसलाविया की तरह हम तोड़ देंगे और रियासत पाकिस्तान के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे ये प्लान है इनका ये प्लान खोल के हमने आपको बता दिया हम ऑलरेडी पी और तमाम पाकिस्तान के जो खजाने हैं बेच रहे हैं हम इस स्टेज पे आ चुके हैं जब ये भी बेच देंगे और कर्जा अदा नहीं होगा तो फिर क्या बेचेंगे आप फिर वो आपको जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है वो जो कहता है कि जी अमरीका जब चाहे स्विच ऑफ कर दे पाकिस्तान मर जाएगा भूखा पैसा ऑलरेडी हालात जो है हमारे इंतहा मखदूश है ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमरीका की मर्जी से लगे हुए हैं अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं वो तो खुद उसका अपना बयान है ना बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की उसने इस बात की क्योंकि ये सब मिले हुए हैं इसी प्रोजेक्ट पे कि पाकिस्तान को इन्होंने तबाह करना है पाकिस्तान से कोई इमोशनल अटैचमेंट कोई जज्बाती रूहानी वापसगी इनकी इस पाक सरजमीन के साथ सईदी रसूलुल्लाह के साथ सब जिला परचम से इनकी नहीं है तो जो कुछ करना है वो हमने आपको साफ बता दिया और करना भी सिर्फ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी हम साफ बता रहे हैं आपको क्योंकि अब अल्लाह ने सिपाशलारे इनको बनाया है अल्लाह का एहसान है कि यह हमारा सिपा सला मुसलमान है मुजाहिद है हाफिज है कुरान पाक का सईदी रसुल्ला के ख़ानदान से और पाकिस्तान से प्यार करने वाला है और हमें क्या चाहिए और हमें सिर्फ ये चाहिए कि हम इस मुजाहिद की मदद करें कि ये पाकिस्तान के अंदर डंडे वाली सरकार लेकर आए और ये हम साफ जनरल साहब को डायरेक्ट मुखातिब करके कह रहे हैं यार करो अल्लाह के फजल से करो दुनिया जहान की ताकत और मदद और फजल करम आपकी जानेब आएगा इंतजार मत करते रहो अब अल्लाह ने आपको पूरी टीम अपनी दे दी है पूरी टीम अब आपकी रखी हुई है पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी, जाएगी। एक इस पाकसर जमीन की हिफाजत करें यहां पर मजबूत डंडे वाली सरकार लाएं इस पाकिस्तान की मीशत को दुरुस्त करें यहां के गरीबों पर रहम करें इस पाक्सर जमीन की हिफाजत करें जिसको खत्म करने के लिए पूरी दुनिया की ताकतें हमला आवर हम पर हो रही हैं चाहे नजरियाती तौर पर हमला आवर हों या अस्करी तौर पर या माशी तौर पर आपको पूरा प्लान हमने बता दिया यही तरीका इसके अलावा और कोई तरीका नहीं और आप देखें कि जिस लम्हे आप ये फैसला करेंगे कि हम इस पाक सरजमीन की हिफाजत करने के लिए सख्त फैसले करने लगें तो दो जहानों में अल्लाह का फज़ल आपकी जानब आना शुरू कर जाएगा पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इंतज़ार करें फिर भारतीय फ़ौज दाखिल होगी खुनरेज जंग होगी बरसों को जंग चलेगी पूरा मुल्क तबाह बर्बाद होगा लाखों करोड़ों मारे जाएंगे फिर उस आग और खून के तूफ़ान के अंदर से वो मुजाहद उठेगा जिससे अल्लाह कोई काम लेगा बेहतर नहीं है कि अभी जो अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है हम खुद इस काम को कर लें और जब आप पाकिस्तान को आप स्टैंड लेंगे आप यकीन करें किसी का बाप भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये खौफ निकाल दें कि अमेरिका क्या कहेगा तो आईएमएफ क्या कहेगा तो हमारी ट्रेड बंद हो जाएगी तो ए एफ बंद हो जाएगा आप स्टैंड तो लें फिर देखें दुनिया किस तरह मिनटें तरले करेगी आपकी किस तरह दुनिया आपके आगे झुकती हुई आएगी जब उनको पता लगेगा कि एक शेयर खड़ा हो गया है एक पाकिस्तान एक्टमी ताकत खड़ी हो गई है अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके ख्याल में इसी की मजाल है इसराइल की कि आई एम एफ़ की अमरीका की आके पाकिस्तान को धमकी लगा सके किसी का बाप नहीं लगा सकता सिर्फ अल्लाह उसके रसूल पर अहतमा करें अपने ज़ोरे बाजू पर भरोसा करें कौम भी आपके साथ है फ़ौज भी आपके साथ लेट्स डू इट टुगेदर और एक बात आखिरी और प्लीज़ मैं फिर बार बार कहूंगा फ़लस्तीन के मुसलमानों को अकेला ना चूँगी बहुत तकलीफ हो गई यार एक साल हो गया आपको हमने एक साल पहले कहा था कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद कर किसी मुसलमान मुल्क ने इसराइल को धमकी तक नहीं लगा, ये हमारा फर्ज बनता है फलस्तान के अंदर आपको इमदाद भी भेजनी है लेकिन उससे पहले आपने इसराइल को धमकी लगानी है ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान की फौज की जिम्मेदारी है फौज की क्यादत अल्लाह ने अगर आपको दी है तो यह आपकी जिम्मेदारी सवाल आपसे किया जाएगा दरबार नब्बे में या फलस्तन का मदद करें या दरबार नब्बी के लिए अपना जवाब तैयार रखें यकीन करें कि अगर आप फ़लस्ती की मदद के लिए भी खड़े होते हैं तो पूरी मुस्लिम दुनिया आपको अपना क़ायद तस्लीम कर लेगी सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी मुस्लिम दुनिया अल्लाह पूरी अपॉर्चुनिटी पूरा मौका तैयार करके आपके सामने रख रहा है इसको क्यों ज़ाया करते हो यार पाकिस्तान की क्यादत और मत मुसलिमा की क्यादत इस पास्तान के नसीब में है और पाकिस्तान के सिपा सलार के नसीब में जनरल जया उल्लख ने ले ली थी मुसलमान दुनिया की क्यादत जब मुस्लिम दुनिया की क्यादत की थी उन्होंने अकवा मुतहद में जा और तकरीर की थी मुस्लिम दुनिया तस्लीम करती थी कि मुस्लिम की पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज, और पाकिस्तानी फौज के, के पास है अब इतने अरसे के बाद ने यह मौका आपको दिया है तो मौके को जाया नहीं खींचेगा बहुत बड़ी खुशनसीबी है जो आपकी जानबाई है इससे महरूमत हो जाएगा हमारी दुआएं आपके साथ हैं हमारी तलवार आपके साथ हैं अल्लाह इस पा अक्सर का सईदी रसूल्ला की उम्मत का मुहाफ़िज होते हैं और ज़मीन में फसाद अंगेजी करते हैं उनकी सजा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं, या सूली चढ़ा दिए जाएं, या काट दिए जाएं उनके हाथ और पांव मुखालिफ़ सिमतों से या निकाल दिए जाएं, वो अपने मुल्क से ये उनके लिए रसवाई है दुनिया में और उनके लिए आखरत में अजाब अजीम है